एवरीवन एंड वेलकम टू द गेम, जिस गेम का नाम है टकला चढ़ा पहाड़ पे। यस, ऐसा ही कुछ नाम है। नहीं, ऐसा कुछ नाम नहीं है भाई, इसका नाम फालतू सा है, डिफिकल्ट गेम अबाउट क्लाइंबिंग। भाई गेम बनाने वाले को यार लिटरली में नाम सोचने का भी टाइम नहीं था क्या? ऐसा कोई नाम रखता है गेम का? खैर छोड़ो, आज मुझे इस गेम में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करनी है। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस की थी भाई, हम लोग एक स्टैचू के पास जस्ट हाथ मिलाने वाले थे, लेकिन हाथ मिलाने से पहले ही हमारा हाथ छूट गया। नोकिया वाला सीन होने वाला था भाई, कनेक्टिंग पीपल वाला, लेकिन वो सीन हो नहीं पाया। बट आज मैं वो सीन करके रहूंगा, मजा आने वाला है। रेडी हो जाओ तुम लोग एक फन एडवेंचर के लिए। व्हाट एम आई डूइंग? ओके, संडे का दिन है एंड मैं ये गेम खेल रहा हूँ। संडे बर्बाद मत कर दियो गेम भाई, तू मेरा वैसे ऑलरेडी बर्बाद जा रहा है मेरा संडे ये। ओके नो, ओके आराम से, चिल ब्रो चिल भाई, टकले इतनी जल्दी नहीं है तुझे। कहाँ जा रहा है तू, ये तू कहाँ जा रहा है? आराम से चिल, तुझे जल्दबाजी मचानी ही नहीं है बिल्कुल भाई। ओके पकड़, बहुत ही बढ़िया, ये सब पेन पार्ट कर चुका हूँ भाई, आराम से। ओ चिल भाई चिल, आराम से। ओके तो देखो गाइस, मैं तुम लोगों को बता नहीं रहा भाई, अभी ये गेम खेलने की थोड़ी सी आदत तो हो चुकी है मेरे को, एंड धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत प्रो बनता जा रहा हूँ मैं इस गेम में। थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खतरनाक प्रो बन चुका हूँ, बिल्कुल नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत सीख चुका हूँ मैं इस गेम के बारे में, एंड आई एम लविंग दिस। तुम लोगों को भी मजा आया था लास्ट टाइम मुझे पता है। चलो नीचे फिसलना है, ग्रैब इट, नाइस, नाउ लेट्स जस्ट गो हियर, कम ऑन बॉय। ओ नो बॉय प्लीज डोंट डू दिस। Where the hell am I? कहाँ पर हूँ मैं? Oh no, ये कहाँ आ गया भाई? अच्छा खासा जा रहा था, क्या मस्त मेरी रन जा रही थी भाई। अब यहाँ से फिर ये वाहियात जंप, मेरी जिंदगी की सबसे वाहियात जंप लगती है मेरे को ये। ओके नहीं पा पाया, कम ऑन बडी गो देयर, नाइस। वंस अगेन वेलकम टू दिस स्टूपिड पार्ट, जहाँ मेरी हालत खराब करने के लिए मैं फिर से तैयार हूँ। क्या तुम लोग तैयार हो? आई होप तुम लोग भी मेरी तरह तैयार हो गए। ओके प्लीज भाई ग्रैब करना, क्या ड्रामा है इसका, ग्रैब क्यों नहीं करता है ये? ओ व्हाट द हेल भाई, अरे पहले तो ये ग्रैब करता था। रुको बिल्कुल एकदम साइड में होल्ड एंड, अबे गेम में कुछ चेंज आया क्या? ग्रैब ही नहीं कर रहा इसकी ऐसी की तैसी, क्या करूँ मैं, घास ग्रैब करूँ ये वाली? व्हाट द हेल यार, ग्रैब तो करना चाहिए, अब ग्रैब कर ले भाई मेरे प्लीज। ओ यस आई एम डूइंग दिस। वापस से हम लोग नोकिया वाला साइन बनाने के लिए तैयार है भाई। आर यू रेडी टू मेक द नोकिया साइन? ओके तैयार हूँ प्लीज इस बार। ओके नोकिया वाला साइन बनाते हैं। आ रहा हूँ मैं परी जी, आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ मैं, जस्ट ग्रैब माई हैंड। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? अरे पकड़ ले वो टॉप हिस्सा। ओके हाथ दो जी, थैंक यू परी जी। ओके अब यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही संभाल के, मैं फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री यहाँ पर पहुँचा हूँ भाई, मेरे को यहाँ से गिरना नहीं है, मेरे को यहाँ से बिल्कुल भी नहीं गिरना है। ओ नो प्लीज़ नहीं। ओके ओ ये क्या घूम रहा है, इसको ग्रैब करना है क्या? आई गेस इसी को ग्रैब करना है। ओए व्हाट द हेल। ओ भाई मैं तो डर गया मैं नीचे, लेकिन बच गया। ओके गाइज आई फ्रिकिंग डिड इट। अब क्या करना है यहाँ पे यार, मज़ा आ रहा है अभी तो, बढ़िया लग रहा है मेरे को, सीरियस में भाई एकदम फन चल रहा है अभी गेम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चल भाई चल ऊपर चलता। अरे ऊपर क्यों नहीं जा रही है? अरे हाँ अच्छा इधर से नहीं जाना, तो आई गेस सामने से जाना होगा। एंड कम ऑन, अबे कहाँ जाएगा कैसे, ये मुश्किल है यार। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं से ट्राई करता हूँ, रुको। चल कम ऑन चलना यार, क्या हाथ है तेरे, छिपकली बन जा दो दिन के लिए, दो मिनट के लिए छिपकली बन जा, चल। एटलीस्ट हम लोग एक सेफ स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, एंड यहाँ से बस मेरे को उधर जाना है, एंड ये ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ होनी नहीं चाहिए, कुछ इस तरीके से आई गेस पहुँच जाऊँगा मैं, रुको। सिंपल है भाई, वैसे भी मेरे पास गिरने के लिए कोई जगह तो है नहीं, तो सिंपली आराम से मैं गिरूँगा भी नहीं नीचे, बस मेरे को यहाँ पर ट्राई करते रहना है। अब वो पता नहीं कितने ट्राई लगेंगे, लेट मी जस्ट हैव सम ट्राइज। नहीं हो रहा ये, तो कोई से घुमा के फेंकता हूँ दोनों हाथों से कुछ इस तरीके से। नहीं यहाँ तक ये जा भी नहीं रहा है, यहाँ से पानी के अंदर जाके कुछ कर सकता हूँ क्या? रुको यहाँ से क्विकली इसको ग्रैब करो एंड इसको ग्रैब करो एंड पानी के अंदर कुछ नहीं हो रहा भाई, लिटरली मैं क्या करना है इस पार्ट पे? रुको मैं झूला झूलता हूँ,
अबे कोई बात ही नहीं बन रही है भाई, रुको। ऑलमोस्ट आई गॉट दिस। दूसरा हाथ खोल के रखना है शाहरुख खान की तरह, एंड जस्ट ग्रैब इट। ओ यस, गॉट दिस। कम ऑन, अबे यहीं घूम गया बंदर, टकले बंदर। तो इसके एज पे पकड़ता हूँ, बिल्कुल ही कतई एज। हाँ ये यहाँ कुछ नई बात बनी। अबे यार गुस्सा आ रही है अब तो मेरे को, ये हो क्यों नहीं रहा है, मेरा लिटरली में दिमाग खराब हो रहा है। आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये आगे ही नहीं बढ़ रहा है भाई। कितनी बार कोशिश करूँ मैं, कूद कूद के पता नहीं क्या लंगूर बन बन के भी ट्राई कर लिया, फिर भी आगे बढ़ने को राजी नहीं है। चड्डी वाला बंदा दिमाग खराब हो गया। अरे चढ़ जाती, कैसे प्लीज ग्रैब, वहां तक पहुंच भी तो नहीं रहा है, उंगली भी तो टच नहीं हो रही है इस गधे की। अरे एक बार उंगली भी टच करके आ जा भाई, क्या करके मानेगा तू। मेरे हाथ में कोई थोड़ा थोड़ा दे दे, इसका टकला फोड़ने का भी बहुत ज्यादा मन कर रहा है मेरा। देखो करना सिंपल सा है, ऐसे ऐसे झुलाना है एंड ऐसे बस जंप लगानी है, लेकिन ये जंप ऊपर की तरफ नहीं लग रही है। देखो अगर यहाँ ये जंप लगानी हो यहाँ ग्रैब करके, तो देखना कितनी आराम से लगेगी। ये देखो कितनी आराम से मैं स्लाइड करके इतनी दूर तक आया, लेकिन अगर यही जंप मुझे यहाँ से लगानी है बिल्कुल इधर एज से, जस्ट लाइक दिस, एंड देखना भाई नहीं जा रहा ये गधा, घूमता है। तो जो पहले प्रैक्टिस करते हैं ऐसे घूम के, कम नहीं यार, नहीं लग रही भाई ये जंप मेरे पे। बताऊँ क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्लाइड भी करना है एंड देन जंप भी करना है कुछ इस तरीके से। हाँ ये परफेक्ट तरीका था, बट वो जो टाइमिंग है वही मैच नहीं हो रही, टाइमिंग मैच हो जाओ। ऑलमोस्ट आई गॉट दिस। ऑलमोस्ट हो गया था ये तो। रुको, और थोड़ा झूला झुलाना पड़ेगा इसे। अबे भाई जरा सा क्लोज जाके हाथ ही नहीं लग रहा उस चीज पे, उस गोल्डन पिलर पे। दिमाग खराब हो रहा है अभी मेरा, बहुत क्लोज भाई, लिटरली मैं बहुत ज्यादा क्लोज जाके नहीं हो रहा। ये देखो बिल्कुल जरा सा, अगर मैं तुम लोगों को स्लो मोशन में दिखाऊं, ये देखो जरा सा बिल्कुल इंच रह रहा है। अरे हो जाना लायक, एक काम करता हूँ मैं, नीचे वो जो डबल हैंड वाली स्ट्रेटर्जी थी उसे यूज करता हूँ, मे बी तब बात बन जाए। नीचे तो ये स्ट्रेटर्जी काम कर रही थी, यहाँ पर भी शायद कर जाए, लेट्स ट्राई। ओए ये स्ट्रेटर्जी थोड़ी बहुत काम कर रही है, एक सेकेंड। वो अब की कुछ धूल मिट्टी भी उड़ी थी, इसका मतलब मेरा हाथ लगा था उस गोल्डन पिलर पे। यस रुको, ओ यस ओ बात बन गई थी, ओए बात बन गई थी। यस हो जाएगा, एटलीस्ट उस पर ग्रिप तो हुआ थोड़ी देर। हो जाएगा, ओ यस हो जाएगा भाई। मज़ा आ गया। बात बन रही है गाइस, बात बन रही है, तुम लोग टेंशन मतलब हो जाएगा। अब थोड़ा मैं पहुंचने लग गया, मेरी डबल हैंड स्ट्रेटजी फिर से काम कर रही है। कम ऑन, आपकी बात बन जाएगी भाई, मज़ा आ गया। ओह दो बार ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया वहां पे। ओके मेरी डबल हैंड स्ट्रेटजी वापस से काम आती हुई। यही स्ट्रेटजी मैं वो नीचे वाला मुश्किल वाला पहाड़ नहीं था भाई, जहां पर मैं करते करते एक घंटे तक बोर हो गया था, वहां पर भी यही स्ट्रेटजी काम आई थी। यहां पर भी यही स्ट्रेटजी काम आएगी आपकी मेरी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस टाइप की जंप्स में बताऊँ क्या है भाई, टाइमिंग ही फिट नहीं बैठती है, वरना तो जंप एकदम ईजी है ये। बस जंप की जो टाइमिंग है वो फिट होनी चाहिए, वही हो नहीं पा रही है। दो बार लेकिन हो गई थी। हो जा, ऑलमोस्ट, ओ प्लीज। अबे यार ये पकड़ता क्यों नहीं है टकला। ओहो वहाँ उसके नाखून छटक रहे हैं, मेरे यहाँ नाखूनों में दर्द हो रहा है। पकड़ ले मेरे भाई। मैंने अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर रखा है भाई, ये तुम लोगों को नहीं पता भाई। लिटरली मैं इतनी देर से इस पार्ट पे अटका हुआ हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। बट यस मैं गुस्सा करने वाले में से नहीं हूँ, मैं स्माइल कर रहा हूँ। हंसी आ रही है बस, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तुम लोगों को पता ही लग रहा होगा गुस्सा तो मुझे आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। ओ भाई क्या रैंडम था ये। अबे इधर से तो मैं डायरेक्टली इधर आ गया,
ओ भाई साहब, कम से कम 1000-2000 ट्राइज के बाद आया हूँ मैं, बल्कि कम ही बोल रहा हूँ भाई, 50,000 ट्राइज के बाद। ओ भाई, उंगलियों से पसीना आ रहा है, मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई, लिटरली मैं बहुत देर बाद पहुँचा हूँ मैं। यहाँ से क्या, कहाँ जाना है, इसको पकड़ना है क्या यार? मन नहीं कर रहा है, यहीं 2 मिनट रुक जाओ यार, आराम करने दो। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके लेट्स ग्रैब इट। ओके ओके, इसको ग्रैब करना है शायद। ओ नो, उसको ग्रैब करना है शायद। ओ नो, मैं किधर जा रहा हूँ? नहीं नहीं, इधर। ओ नहीं, इधर नहीं जाना था, बिल्कुल भी नहीं जाना था। मैं फिर से गिरूंगा, मेरे को लग रहा है भाई। ओ नो, ओ अबे यार, क्या हो गया ये क्या हो गया? ज़्यादा खुशी की वजह से हो गया ये। बट एक बार जो चीज़ कर सकता हूँ मैं, ऑब्वियसली दोबारा भी कर सकता हूँ या फिर नहीं, पता नहीं। मुझे लगता दोबारा होगी वो चीज़, कई सालों की मेहनत के बाद हुआ था वो। 15,000 ट्राइज, 2,000 ट्राइज, कितने ट्राइज किए होंगे। मुझे नहीं लगता अब ये चीज़ दोबारा होगी भाई, इम्पॉसिबल है ये। वो तो तुक्का लगा था मेरा, कोई मेरी ट्रिक नहीं काम करी, डबल हैंड सिंगल हैंड तुक्के से हुआ था वो, पूरा एक तुक्का था भाई, 100% तुक्का। पता नहीं ये चीज़ दोबारा होगी कि नहीं यार, गुस्सा आ रही है। कैसे मैं उधर चला गया, वो तो एटलीस्ट नीचे नहीं गिरा, बट वही ठीक था यार, यहाँ पर अटकने से तो अच्छा मैं 1000 बार नीचे ही गिर जाऊँ भाई। रेज गेम क्या होता है जिसमें बंदा भाई कहीं पहुँचे बड़ी मुश्किल से एंड गिर जाए। अबे लेकिन इस गेम में तो कहीं पहुँच ही नहीं पा रहा मैं, 50 दिनों से यहीं पर फंसा पड़ा हूँ। सीरियसली मैं दिमाग खराब भाई, कैसे हुआ था वो, तुक्का कैसे लगा मेरा। ओके, इस बार ज़्यादा नहीं, इस बार मुश्किल से 10 ट्राइज लगे होंगे, बट मैं वापस पहुंच गया यहाँ पे। मैं यहाँ से ऊपर चला गया मैं, इस बार गड़बड़ नहीं थी, इस बार गड़बड़ नहीं। इधर इधर कुछ तो ग्रैब करना है, हाँ ये पकड़ना है। ओ पकड़ने दो मेरे को, अरे पकड़ने दो मेरे को, इधर नहीं फंसना है वापस से। ओके गाइस, ओके। अबे क्या ड्रामा है ये, अरे कहाँ चरखे पे उड़ा दिया। ओ पकड़ने दो। ओके ओ क्या है ये, ओ कैसे जाऊँ मैं। ओके लिटरली मैं भाई, ये कितनी मुश्किल चीज़ है। अरे किधर फटाफट जाऊँ मैं, लिटरली मैं भाई किधर जाऊँ। ओ नो, मैं फंस गया, मैं बीचों बीच जा रहा हूँ उसके। ओके यहाँ से लेफ्ट जाना है, क्विकली जाना है। कहाँ आ गया इस पार्ट पे फंसे हुए, मुझे 45 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है भाई। लिटरली मैं शुरुआत में तीन बार हो गया या तो पता नहीं मेरे को, मैं तो भूल भी गया, इतनी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई, एंड तब से भाई दोबारा ये हो ही नहीं रहा है। उस वक्त पता नहीं कैसे तुक्का लग गया था। हो जाए यार प्लीज़, एक बार तो 10 बार ट्राई में ही हो गया था, 10 ट्राई में ही लिटरली मैं, लेकिन तब से हो ही नहीं रहा है भाई। ओके ओ आई डिड इट। ओके तब से अब हुआ है जाके। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग शांत रखना है, जल्दबाजी के चक्कर में मैं गिर रहा हूँ भाई। ओके क्विकली, एंड यहाँ के मिडल वाले पार्ट को ग्रैब करना है। कम ऑन, यस आई डिड इट, आई जस्ट डिड दिस। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब मुश्किल पार्ट आता है, मुझे जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, समझ रहे हो कहने का मतलब। नाउ लेट्स गो, यस आई डिड दिस अगेन, एंड हियर वी गो। अब आई गेस, ओ ऊपर वाला पार्ट पकड़ना है क्या, व्हाट द हेल। तो रुको, यहाँ से इधर, एंड आई गेस लकड़ी वाला। ओ वरना पीछे घूम के मैं गिर जाता क्या, मुझे लग रहा है। और ये तो वो तो पार्ट बहुत तेज़ी में स्पिन कर रहा है यार, मुझे लग रहा है अगर मैंने छोड़ा नहीं उसे तो मैं नीचे गिर जाऊँगा फटैक से, यही सीन लग रहा है मेरे को तो। अबे तो वो तो बहुत तेज घूम रहा है यार, ओ तेरी क्या फास्ट घूम रहा है वो। आ, आ, ओ भाई वो कितना मुश्किल है, वो कैसे करूँ मैं वो। कोई चेक पॉइंट वैक पॉइंट भी नहीं है, व्हाट द हेल। मेरा माउस पैड ख़त्म हो गया है, कहाँ जाऊँ मैं, मुझे बताऊँ क्या करना है। क्विकली पहले राइट हैंड से ग्रैब करना है एंड लेफ्ट हैंड से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, यही सीन है। आर यू रेडी एवरीवन, लेट्स गो। यार कैसे भाई, कैसे करूँ आखिरकार मैं ये, वो तो सही है इधर साइड में, ये पत्थर है, बार बार गिर गिर के यही ग्रैब कर रहा हूँ मैं एटलीस्ट। आर यू रेडी फॉर दिस, मैं तो रेडी हूँ, पता नहीं मैं कितना रेडी हूँ। और यार ये तो सीरियसली मैं क्या चालू है,
ये बहुत मुश्किल है यार, जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं है आसान। मुझे पता है तुम लोगों को लग रहा होगा भाई क्या है, हलवा ही तो है। कितनी मुश्किलों से पहुंचा था मैं वहां तक। शिट भाई शिट, अब इसमें दिमाग खराब होगा आधा घंटा तेरी। चढ़ जा टकले, चढ़ जा फटी चड्डी, चढ़ गधे के बच्चे चढ़, पकड़ ले मेरे भाई। मैं 50 बार पकड़ रहा है ये, लेकिन वहां से हाथ छूट जाता है इसका, पता नहीं क्या गधा है ये। देखो भाई वो ग्रैब कर रहा है लेकिन छोड़ रहा है, पागल है क्या ये। पकड़ ले मेरे भाई, पकड़ ले यार, चल ले थोड़ा सा ऊपर। ओके ओके, आई फाइनली ग्रैब्ड, ओके नाइस। चलो, अरे यार इस पार्ट से तो मुझे वैसे ही अब नफरत सी होने लग गई है, पर स्टिल आई हैव टू डू दिस। चलो अब यहाँ से क्विकली जाना है लेफ्ट, ये तो लास्ट टाइम मैंने कर लिया था, तो ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट दिक्कत तो स्टिल हो रही है ना भाई, दिक्कत तो स्टिल हो रही है। मिडल वाला पार्ट पकड़ ले यार, हाँ हम रुक जाओ, मेरे को सेटअप करने तो करना क्या है, तो पहले राइट हैंड से पकड़ना है एंड देन फिर लेफ्ट हैंड से पकड़ना है, ठीक है, समझ गया तुम लोग, आई होप मैं भी समझ गया, लेट्स डू दिस। एंड अभी ओ नो, क्विकली चढ़ मेरे भाई चढ़। ओके ओ भैया यार, कैसे कर लिया था मैंने उस टाइम, आई गेस रुको, यहाँ से यहाँ एंड यहाँ, हाँ ओके समझ गया, देन यहाँ से यहाँ, देन रुको, इस पार्ट को करते हैं क्रैप, यहाँ पे एंड देन यहाँ पे एंड देन ये, ओके फाइनली जहाँ से लास्ट टाइम में गिरा था। यार ये कैसे होगा, बहुत जल्दी करना पड़ेगा मुझे ये, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। तुम राइट हैंड से पकड़ा, अब गिर गया वो, पकड़ लिया एटलीस्ट, ऐसे। आज के लिए इतना काफी है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।